हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक प्रॉपर स्टाइलिंग का वीडियो करने वाली हूँ, तो मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अमिता रेडी तो हो रही है, कर क्या रही है अपने बालों के साथ। तो मैं बना रही हूँ एक बढ़िया सी चिपकी हुई सी पोनी टेल। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो मेरे कपड़े हैं, उनकी नेकलाइंस हैं, वो सब अच्छे से विजिबल हो। कुछ एक्सेसरीज में दिखाऊंगी तो एक्सेसरीज भी आप लोगों को विजिबल हो। तो मैं इसीलिए इतनी ये मेहनत करी हूँ, ये चिपकी हुई इसी पोनीटेल बनाने में मैं लगी हुई हूँ। बस अब ये बेबी हेयर का मैं क्या करूँ, आई एम श्योर बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम रहता होगा। अब ये जो प्रोडक्ट है तो ये स्लिक अप है, कोई इसका नाम है स्लिक अप। ओके, तो ये मैंने काफी लोगों को यूज करते हुए देखा है, ये अमेजोन पे अवेलेबल है। तो मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कुछ बेबी हेयर का हो पाता है कि नहीं हो पाता, लेट्स सी। सो मैं इसको जरा ऐसे लगा के देखते हैं। कर रहे अच्छा प्रोडक्ट है वैसे। आपको इस तरह का नीट फिनिश लुक चाहिए तो आई थिंक उसके लिए दिस इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। कोशिश करती हूँ नीट ट्राई करके देखना इस प्रोडक्ट को। अच्छा प्रोडक्ट है, कहीं आपको पार्टीज वार्टीज में जाना है, ऐसा फिनिश एकदम ऐसा चिपकू वाला लुक चाहिए तो अच्छा है। ओके, सो बहुत हो गया चिपक चिपकाना, आई एम फाइनली रेडी। सो फॉक्स, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ स्टाइलिंग आइडिया शेयर करूंगी कि कैसे हम नॉन रिवीलिंग तरीके से स्मार्ट एंड स्टाइलिश लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। और वो मैं इसलिए आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग रिवीलिंग आउटफिट्स को लेकर कंफर्टेबल नहीं होते, थोड़े कॉन्शियस होते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि स्टाइलिश कौन नहीं लगना चाहता, लेटेस्ट फैशन के आउटफिट्स कौन नहीं पहनना चाहता, सबको पसंद है राइट। तो चलो वीडियो देखो, सब बिल्कुल लेटेस्ट फैशन एंड प्रैक्टिकल स्टाइलिंग आइडियाज दिए हैं मैंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो ये सब मैंने सामान ऐसे निकाल के रखा है, अच्छा खासा, मतलब मेरा जो रूम है वो पूरा फैला हुआ है। कुछ एक्सेसरीज हैं, ये कुछ कपड़े हैं, तो मैं इन सबको बारे में बताऊंगी भी, सही स्टाइल भी करके दिखाने वाली हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्रॉप टॉप्स आजकल बहुत ट्रेंड में है और अच्छे भी लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं, मुझे भी क्रॉप टॉप्स बहुत पसंद है। लेकिन जिनका थोड़ा सा टमी बल्ज है, थोड़ा सा लव हैंडल्स है, तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं क्रॉप टॉप्स को पहनते वक्त। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप हाई वेस्टेड पैंट्स पहनो या फिर हाई वेस्टेड स्कर्ट्स पहनो। और हाई वेस्टेड पैंट्स में अगर आप वाइड लेग वाली पैंट्स पहनोगे ना तो वो बहुत अच्छा है, बिकॉज उसे क्या है आपका एकदम से ऐसा बॉडी शेप नहीं दिखता है। मतलब अगर आप कॉन्शियस हो उस चीज को लेके तो वाइड लेग पैंट्स बहुत सही चीज है, मैं भी पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और हाई वेस्ट मतलब आपके जो पैंट्स की वेस्ट है वो आपके मिड लाइन पे आनी चाहिए, यहाँ पे मिड वेस्ट पे आनी चाहिए पैंट्स, तब आपका जो क्रॉप टॉप है वो इतना आपको ऑकवर्ड नहीं फील होगा, आप कॉन्शियस नहीं फील होंगे और वो एक्चुअली दिखने में भी अच्छा लगेगा। आपका जो टमी बल्ज है वो अंदर सेट हो जाएगा। सेट हुआ कि नहीं हुआ ये देखो, आप फ्रंट एंगल देखो, साइड एंगल मत देखो। ओके, दिख रहा है क्या? चलो छोड़ो, अब जो है सो है, इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये व्हाइट कलर की वाइड लेग पैंट्स मैंने अमेजोन से परचेज की है, बहुत अच्छी सी फिटिंग है इसकी और शेप भी बहुत अच्छा है इसका, सब अच्छा है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो मुझे अंदर घुसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजिली अंदर एंटर हो गई इस पैंट्स में। और इसकी जो वेस्ट है, फिटिंग है, मतलब सब बढ़िया है, बस इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है। मतलब इसमें जो फोटोग्राफ था अमेजोन पे तो वो प्रॉपर मतलब आपका फ्लोर लेंथ तक की इसमें लेंथ दिखा रखी थी, बट इसमें ये एंकल लेंथ की है ये पैंट्स। बट ठीक है, कोई बात नहीं, बट इसकी फिटिंग अच्छी है तो आप ये पैंट्स आप ट्राई कर सकते हो। और वैसे भी आजकल तो सब चलता है, सब फैशन है, मतलब आप कुछ भी पहनो फैशन बन जाता है। ओके, जितने भी आउटफिट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एंड एक्सेसरीज दिखाऊंगी तो उनके लिंक्स मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन्हें चेक कर लेना, आपको प्राइसेस पता लग जाएंगी। डोंट वरी, सब बजट फ्रेंडली है, सब अंडर 1000 की रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, सो डू चेक दम आउट। ओके, अभी मैंने ये जो इस तरह का डीप नेक वाला स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहना हुआ है, इस तरह के टॉप्स में अगर कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं है क्योंकि थोड़ा सा डीप नेक है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप स्लीवलेस पहनना चाहते हैं तो स्लीवलेस में ऑप्शंस हैं कि आप इस तरह के जो थोड़े से हाई नेक राउंड वाले क्रॉप टॉप्स हैं तो आप इस तरह के क्रॉप टॉप पहनो, तो आपका ये डीप नेक का तो सोल्यूशन हो गया। अब मान लीजिए अगर आप स्लीवलेस में भी कंफर्टेबल नहीं है तो और भी वैरायटी आती है क्रॉप टॉप्स की, आप इस तरह के ये क्रॉप टॉप्स पहन सकते हो जिसमें ऐसे शॉर्ट स्लीव्स हैं एंड इनकी जो लेंथ है क्रॉप टॉप्स की, आप ये देखो कि एटलीस्ट थोड़ी सी लंबी हो। मतलब अगर आपको बहुत टाइनी क्रॉप टॉप्स पहनने हैं, मतलब कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो एक प्रॉपर जो लेंथ होती है लाइक आपकी मिड वेस्ट तक ये क्रॉप टॉप की लेंथ है तो इस तरह के क्रॉप टॉप्स अच्छे रहते हैं। ये स्लीव्स भी है तो इसमें आप इतना कॉन्शियस फील नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छे लगेंगे इस तरह के क्रॉप टॉप्स, काफी स्मार्ट लग रहा है ना ये
लो। ओके, ये जो ब्राउन कलर की पैंट्स है ये H&M की पैंट्स है, इसे भी आपने मुझे कई वीडियोस में पहले भी देखा होगा, अच्छी पैंट्स है, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है, इसकी लेंथ भी फुल है, हाई वेस्ट है प्रॉपर। जो ग्रीन वाला क्रॉप टॉप है और ये व्हाइट वाला क्रॉप टॉप, ये दोनों अमेजोन से मैंने परचेज किए हैं, दोनों की क्वालिटी अच्छी है, अच्छे से थोड़ा सा स्ट्रेची मटेरियल है इन दोनों का, तो फिटिंग कंफर्टेबल है, अच्छे समरी टॉप्स हैं, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, उनके लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बस ये जो व्हाइट वाला क्रॉप टॉप है ये हल्का सा ऐसा इसमें है, थोड़ा सा ट्रांजी है, ये ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है ट्रांजी, तो इसमें आपको इनरवेयर थोड़ा सा सोच समझ के आपको पहनना पड़ेगा, मतलब आप या तो न्यूड कलर की जो ब्रा होती है वो तो परफेक्ट होती है, वो आप पहनो इसके साथ, या फिर आप कोई डार्क कलर की ब्रा ट्राई कर सकते हो व्हाइट्स के नीचे, जैसे ब्लैक तो होता ही है पर कई ऐसे शेयर व्हाइट कलर के टॉप्स होते हैं जिसके नीचे ब्लैक दिखता है, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो इस तरह की, ये डार्क मरून कलर की ब्रा ट्राई कर सकते हो, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, बट दिस इज वेरी कॉमन, आप इस तरह की डार्क मरून कलर की ब्रा को अगर आप व्हाइट क्लोथ्स के नीचे ट्राई करके देखना तो वो नहीं विजिबल होता है मरून कलर। बेसिकली आप ट्राई थोड़ा सा करके देखना कि कौन सी ब्रा विजिबल नहीं है व्हाइट्स के नीचे, बिकॉज व्हाइट्स में भी अलग अलग कलर्स आते हैं, शेड्स आते हैं, थिकनेस ऑफ फैब्रिक डिफरेंट होता है, तो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि किसके नीचे क्या विजिबल है। ओके, अब ये जो आपकी जो थोड़ी सी टीनी टाइनी सी कमर दिख रही है, ये दिखने में भी अगर आप कॉन्शियस फील करते हो तो आप इस तरह की कॉलर वाली बटन डाउन शर्ट्स आप ऊपर से पहन लो, तो काफी कूल भी लगता है, स्टाइलिश लगता है, काफी स्मार्ट सा लुक है, मैंने काफी गर्ल्स एंड वुमेन को इस तरह से स्टाइल करते हुए देखा है, आई फाइंड इट वेरी ऑसम, तो आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हो। एंड और थोड़ी सी कूलनेस ऐड करने के लिए आजकल क्रॉस बॉडी बैग्स बहुत चल रहे हैं, तो आप इस तरह का कोई क्रॉस बॉडी बैग लो, एंड फुटवेयर तो ऑब्वियसली आपको जो पहनना है पहनो, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल इन, एंड सनग्लासेस लो, एंड देन यू आर गुड टू गो, यू आर सॉर्टेड, आई एम ऑल्सो रेडी, कहीं चलना है क्या आपको, लो कहां चले। ओके, ये जो शर्ट है ये मैंने अमेजोन से परचेज की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की शर्ट है, कॉटन है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसका प्रिंट एंड एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस शर्ट, सो आई रियली लाइक दिस शर्ट। ओके, अगर आपको लॉन्ग शर्ट्स नहीं पसंद है तो आप क्रॉप शर्ट्स भी ट्राई कर सकते हो ऊपर, तो वो भी बहुत स्मार्ट लगेगा, बहुत ट्रेंडी है, मतलब एकदम जेन जी वाला जो लुक है वो आ जाएगा, तो अगर आपको इस तरह का लुक ट्राई करना है तो यू शुड ट्राई दैट लुक, तो आप ये ट्राई करके देखना, काफी स्मार्ट तरीका है स्टाइल करने का, थोड़ा सा दिखाओ थोड़ा सा छिपाओ। और हाँ, ये जो क्रॉस बॉडी बैग्स हैं तो ये तो आजकल बहुत मतलब एकदम ट्रेंड में है, तो यू शुड ट्राई वन ऑफ दीज बैग्स, मतलब और ये हर चीज पे अच्छे लगते हैं एक्चुअली, लाइक कैजुअल लुक्स पे बहुत अच्छे लगते हैं, आप पैंट्स के ऊपर पहनो, ड्रेसेस के ऊपर पहनो, तो दीज बैग्स लुक वेरी स्मार्ट, सो ये भी अमेजोन से है, सो आई विल गिव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, अगर आपको ये इयररिंग्स जो मैंने पहन रखी है वो पसंद आ रही है, और फिर ये जो हुप्स है ये मैंने एक लुक में पहने हैं, तो ये हुप्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ये भी मैंने अमेजोन से लिए, एक्चुअली एक पूरा सेट लिया था मैंने, तो इसमें ये हुप्स एंड ये इयररिंग्स का ये पूरा सेट आया था, तो ये काफी मुझे अच्छा लगा, सबकी क्वालिटी भी एक्चुअली अच्छी है, काफी बड़े बड़े ऐसे हुप्स हैं ये, तो बहुत अच्छे दिखते हैं, और मुझे बड़े हुप्स एक्चुअली ज्यादा पसंद है, बिकॉज एटलीस्ट वो दिखेंगे, जैसे कुछ भी आप टाइनी सा ऐसा पतला सा पहनोगे तो वो पता ही नहीं लगेगा, बालों में कहीं ना कहीं छुपेगा, आपके फेस पे दिखेगा नहीं, तो या यू कैन ट्राई दीज, इसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, नेक्स्ट, ये ड्रेस है काफी अच्छी, सिंपल सी प्रिंटेड कैजुअल मैक्सी ड्रेस है ये, और इसमें ऐसा ये पतले से ऐसे स्ट्रैप्स हैं, ये थिन स्ट्रैप्स हैं इसके। ओके, एंड साइड में इसमें स्लिट दिया हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा स्लिट नहीं है, छोटा सा स्लिट है ये साइड में, तो इस तरह की ड्रेसेस काफी कूल एंड कम्फी होती है, कहीं पर भी आप इसे कैजुअली पहन सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आपको बाहर जाना है, आउटिंग पे, हॉलीडे पे, कहीं पर भी आप इसे पहनिए, लंच पे, तो बहुत अच्छी से लगती है, कंफर्टेबल भी होती है। ये मैंने अमेजोन से ली है, और इसका जो फैब्रिक है ये पॉलिएस्टर फैब्रिक है, तो ऐसी सॉफ्ट मटेरियल है, समरी ड्रेस है, पर मुझे ये भी पता है कि बहुत लोग इस तरह की थिन स्ट्रैप वाली ड्रेसेस में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो अब क्या करें। अरे डोंट वरी, ऐसे बहुत तरीके हैं इस तरह की ड्रेसेस को मॉडर्न बनाने के, एक तो कि आप इस तरह के आप कैजुअल जैकेट्स आप ड्रेसेस के ऊपर डाल सकते हो, ये शॉर्ट डेनिम जैकेट है तो बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक कलर का जैकेट है, और जैकेट्स वैसे भी बहुत स्मार्ट लुक देते हैं आपके ओवरऑल बॉडी फ्रेम को, तो आप इस तरह के जैकेट्स इस ड्रेसेस पे पहन लो तो अच्छा सा स्मार्ट सा कैजुअल लुक हो जाएगा, स्टाइलिश भी लगेगा। एक्सरसाइजेशन तो आपको जैसी चाहे कर सकते हो, मतलब मैंने तो यहाँ पे जैसे हाथ में से ब्रेडेड कुछ ब्रेसलेट्स हैं तो मैंने ये पहने हैं, ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किए थे, और आपको कानों में से हुप्स डालने हैं आप हुप्स डालो, गले में जैसे कुछ चेन डालनी है या कुछ भी ऐसे बीडेड नेकलेसेस डालने हैं तो आप इस तरह का कुछ पहनो, थोड़ा सा मतलब फंकी
बोहो लुक आप दे सकते हो अपने इस लुक को. ओके नाउ अब आप जैकेट्स की जगह पे इस तरह के बॉक्सी स्टाइल के क्रॉप टॉप्स पहन सकते हो. तो ये ऐसा लूज फिट स्टाइल का क्रॉप टॉप है. तो ये ऐसे क्रॉप टॉप्स भी आप ऐसे स्ट्रैपी ड्रेसेस पे पहन सकते हो. तो ये भी बहुत स्मार्ट एंड स्टाइलिश लगेगा एंड काफी अच्छा तरीका है, मतलब एक मॉडर्न तरीका है रिवीलिंग आउटफिट को नॉन रिवीलिंग में कन्वर्ट करने का. एंड आई गेस अच्छा भी लग रहा है, राइट? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई स्कर्ट एंड टॉप पहना हुआ है. मुझे बहुत अच्छा लगा. क्या बोलते हो, अच्छा लग रहा है ना? अब क्या, बस आप फंकी सी एक्सेसराइजेशन कर लो. मतलब आप पे डिपेंड करेगा आपको फंकी करना है कि नॉर्मल आपको ऐसे स्मार्ट मॉडर्न कैजुअल लुक रखना है, तो वो आप पे है. बट मुझे जैसे बोहो लुक्स बहुत पसंद है, तो मैंने इसको ऐसे बीडेड नेकलेसेस के साथ स्टाइल किया. और ये जो क्रॉप टॉप है ये सॉलिड कलर का है, तो इस पे ऐसे मतलब एकदम पॉप ऑफ जो कलर्स है वो बहुत अच्छे लगेंगे. तो मैंने इस तरह के ये बीडेड नेकलेसेस पहने हैं. ये सब मैंने ना गोवा से खरीदा था. ये नागालैंड के हैंडमेड नेकलेसेस हैं, बीड्स नेकलेसेस. तो मैंने गोवा से खरीदा था. एंड फिर फुटवेयर तो आपको जैसे पहने, जैसे स्लिपॉन्स पहनने हैं या जैसे भी आपको हील्स पहना पहन सकते हो. और साथ में आप इस तरह के कुछ बोहो बैग्स कैरी कर सकते हो. सी हाउ ऑसम इज दिस बोहो बैग. ये मैंने गोवा से खरीदा था और इट्स सो सो प्रिटी. दिस मैक्रेन का ये बोहो बैग है. एक्चुअली ये बैग मतलब है ना, बैग है ये, देखिए. बैग और ये मतलब आप एक शोपीस की तरह भी टांग सकते हो घर में. कितना अच्छा लगा, कितना ऑसम है. और ये वाला मैंने जयपुर से खरीदा था. ओके नेक्स्ट, आजकल लेयर्ड ड्रेसेस बहुत फैशन में चल रही हैं. इस तरह की आप ये देखिए, इनको टायर्ड ड्रेसेस बोलते हैं, जिसमें से लेयर्स हैं, लाइक 1, 2 एंड 3 इस तरह की लेयर्स हैं. तो इस तरह की ड्रेसेस आजकल बहुत फैशन में चल रही है. आप ऑनलाइन देखोगे ना तो इसी तरह की ड्रेसेस आपको देखने के लिए मिलेगी. मतलब शॉर्ट लेंथ में, फुल लेंथ में, स्कर्ट्स में भी आपको इसी तरह के पैटर्न्स बहुत देखने के लिए मिलेंगे. बट अच्छी लगती है, मतलब मुझे इस तरह की ड्रेसेस बहुत क्यूट लगती हैं, ब्यूटीफुल हैं. तो आप इस तरह की ड्रेसेस आप ट्राई कर सकते हो. ये ड्रेस मैंने अमेज़न से ली है और इसमें जो स्ट्रैप का पैटर्न ऐसा है कि आप इसको हॉल्टर नेक स्टाइल में आपको पहनना है तो आप ये हॉल्टर नेक स्टाइल में पहन सकते हो. एंड इसमें ऐसे एक दे रखा है लूप, तो इसको आप ऐसे थिन स्ट्रैप्स वाली ड्रेस भी बना सकते हो. तो जैसा आप कंफर्टेबल हो आप इस तरह से इस ड्रेस को पहन सकते हो. ओके, इस ड्रेस में तो थिन स्ट्रैप्स हैं, तो अगर आप कॉन्शियस हैं इस तरह के थिन स्ट्रैप्स को लेके या फिर हॉल्टर नेक स्टाइल को लेके, तो आप एक ऑप्शन तो ये है कि जैकेट्स पहन लो. जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, तो आप ऊपर जैकेट्स पहन सकते हो, शॉर्ट क्रॉप जैकेट्स, तो वो भी बहुत स्मार्ट लगते हैं. या फिर आप इस तरह के टाई अप शर्ट्स पहन सकते हो, तो ये भी बहुत कूल एंड स्मार्ट तरीका है एक रिवीलिंग टू नॉन रिवीलिंग आउटफिट बनाने का. ये वाली जो शर्ट है ये मैंने अमेज़न से ली है एंड बहुत अच्छा लिनन फैब्रिक है इस शर्ट का. तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा लुक लगा मुझे. मतलब ये समरी सी ड्रेस है, ब्यूटीफुल फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस है और उसके ऊपर ये लिनन का ऐसे टाइप वाला शर्ट है. मतलब और ये भी लिनन फैब्रिक है तो ये समर फ्रेंडली, तो काफी ब्यूटीफुल सा समर फ्रेंडली लुक बना है और वो भी मॉडर्न तरीके से. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और इस तरह के जो टाइप वाली शर्ट है या किसी पैंट्स के साथ भी आप पहनोगे तो भी बहुत स्मार्ट लगेगी. तो मतलब काफी अच्छी काम की चीज है. ओके नेक्स्ट, आजकल बटन डाउन ड्रेसेस बहुत ट्रेंड में चल रही है. बटन डाउन मतलब जिसमें फ्रंट में ऐसे बटन्स दिए हुए होते हैं, मतलब शॉर्ट पैटर्न की जो ड्रेसेस होती है तो उन्हें बटन डाउन ड्रेसेस बोलते हैं. तो वो कॉलर पैटर्न में भी मिलती है या राउंड नेक में मिलती है. तो ये कैजुअल ड्रेस मैंने ली है, अमेज़न से मैंने परचेज की है. तो काफी अच्छी ड्रेस है. मतलब इसमें ये जो फैब्रिक है इसका रेयॉन फैब्रिक है, तो बिल्कुल समर फ्रेंडली ड्रेस है. ये ए लाइन शेप में, मतलब इसमें हल्का सा फ्लेयर है और इसमें ये ऐसे पफ स्लीव्स की यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है. ओके, इस तरह की ड्रेस को एक तो आप बहुत सिंपल तरह से भी आप स्टाइल कर सकते हो. कैजुअल आपको एक लुक चाहिए तो उस तरह से आप इसे स्टाइल कर सकते हो. आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें नया क्या बताया, इस तरह से ड्रेसेस को तो हर कोई पहनता है, इसी तरह से तो स्टाइल करते हैं, राइट? लेकिन नहीं, रुको, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह की जो ड्रेसेस होती है इसको आपको अगर थोड़ा सा लेवल अप करना है, मतलब एक थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देना है, कुछ डिफरेंट लुक देना है, तो आप इस तरह की ब्रॉड वेस्ट बेल्ट आप इसके ऊपर पहनो. आई एम टेलिंग यू दिस इज माई फेवरेट. ये बेल्ट मैंने अमेजोन से ली है और ये इतनी कूल है, मतलब और इसकी क्वालिटी, ये इतनी अच्छी बेल्ट है, मुझे तो इतनी अच्छी लगी ये बेल्ट. और इसमें ये बैक मैंने इस तरह से पूरा ऐसे इलास्टिक बैंड है, तो ये मतलब फ्लेक्सिबल है. तो इसमें लिखा है मतलब 23 इंचेस टू 33 इंचेस की वेस्ट साइज के लिए ये वाली बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट है. पर अमेज़न पे आप देखेंगे इस तरह की बेल्ट बहुत सारी मिल जाएंगी और ज्यादा वेस्ट साइज के लिए भी आपको मिल जाएंगी, तो आप इसमें सर्च करना, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. तो और एक और बेल्ट है अभी आगे मैं दिखाऊंगी, तो वो थोड़ी ज्यादा वेस्ट साइज के लिए है, राइट? तो इस तरह की बेल्ट आप ऐसी ड्रेसेस पे पहनो, मतलब आप देखो इसका लुक, मतलब एकदम से वो सिंपल से एकदम स्टाइलिश और स्मार्ट मतलब हो जाता है.
ओके नेक्स्ट ये कॉलर पैटर्न की बटन डाउन ड्रेस है। मैंने आपको बोला अभी इस तरह की बटन डाउन ड्रेसेस बहुत ट्रेंड में है, तो पहले वाली जो ड्रेस थी उसमें कॉलर नहीं था, इसमें कॉलर है और ये थोड़ी सी स्ट्रेट पैटर्न की ड्रेस है और ये एंकल लेंथ तक है। काफी सिंपल सी ड्रेस है पर बहुत स्मार्ट है, मतलब आपको एज अ सेमी फॉर्मल ऑफिस वेयर, मतलब उसमें ये आप इसे पहन सकते हो कोई भी मीटिंग्स में, तो काफी स्मार्ट लगेगी इस तरह की ड्रेस। और कैजुअली भी आप इसको कहीं पहनना है आप पहन सकते हो। इसका फैब्रिक कैसा, रेयन फैब्रिक, एकदम सॉफ्ट और अच्छा समरी फैब्रिक है, तो आप इसे पहन सकते हो। तो इस तरह के जो ड्रेसेस है, तो मैंने अभी जैसे बताया मैं आपको एक और वेस्ट बेल्ट बताने वाली हूं, तो उस वेस्ट बेल्ट के साथ आप इसे पहनो। रुको मैं आपको बताती हूँ। ओके देखो ये रही वो वेस्ट बेल्ट, आप खुद देखो कितनी स्मार्ट वेस्ट बेल्ट है। ये भी मैंने अमेजोन से परचेज की है और ये वेस्ट साइज 28-42 के लिए परफेक्ट है ये वेस्ट साइज। इसमें भी इसे इलास्टिक बैंड दिया हुआ है, तो आप ये वेस्ट बेल्ट आप इस ड्रेस के ऊपर पहनो और आप देखो क्या एकदम से आपका जो सिंपल सा लुक है इस ड्रेस का वो एकदम से स्टाइलिश लुक में कन्वर्ट हो गया। और बाकी तो फिर देखो आपको स्टाइल करना है कैसे, मतलब ड्रेस को कैसे स्टाइलिश बनाया जाए, आपके लुक को स्टाइलिश कैसे बनाया जाए, तो स्टाइलिंग बहुत मैटर करती है। तो अगर आप इस तरह की वेस्ट बेल्ट पहन रहे हो तो उसके साथ आप कुछ स्टाइलिश से आप पंप शूज पहनो जैसे, या एंकल बूट्स पहनो जैसे मेरे पास इस तरह के ये म्यूल वाले सैंडल्स हैं, तो मैंने ये म्यूल वाले सैंडल्स पहने हैं। तो आप इस तरह से अपने लुक को स्टाइल कर सकते हो। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडीकॉन ड्रेसेस की। बॉडीकॉन ड्रेसेस भी बहुत अभी ट्रेंड में है, काफी आप ऑनलाइन देखोगे बॉडीकॉन ड्रेसेस मिलेंगी। तो आई गेस बॉडीकॉन ड्रेसेस जो कर्वेशियस बॉडी टाइप्स होती है ना उनके लिए तो मस्ट बाई है, मतलब जो पेयर बॉडी शेप जिनका होता है या आवर ग्लास जिनका बॉडी शेप होता है, तो इस तरह की बॉडी टाइप्स के लिए तो परफेक्ट होती है क्योंकि आपके जो कर्व्स होते हैं बॉडी के कर्व्स उनको एनहांस करती है और सेंसुअस तो लगती ही है ऐसी ड्रेसेस। सो आई गेस बॉडीकॉन ड्रेसेस यू शुड ट्राई, दे लुक रियली वेरी नाइस। ये मेरी बॉडीकॉन ड्रेस है, ये मैंने अमेजोन से नहीं परचेज की है बट मुझे बहुत पसंद है। काफी कैजुअल सी बॉडीकॉन ड्रेस है, इसका जो मटेरियल है वो कॉटन रिप्ड वाला मटेरियल है, इस तरह से ये स्लीवलेस इसका पैटर्न है। अमेजोन पे भी इस तरह की बॉडीकॉन ड्रेस मिल जाएगी। अगर आपके पास इस तरह की स्लीवलेस टाइप की बॉडीकॉन ड्रेस है और आप इसको नॉन रिवीलिंग तरीके से कहीं पे स्टाइल करना चाहते हैं, तो इस तरह के फुल लेंथ के आप श्रग्स आप पहन सकते हो। ये देखो ये शियर फैब्रिक का एक श्रग है, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था और ये जो श्रग्स हैं ये मतलब आप अपने किसी जीन्स एंड क्रॉप टॉप उसके साथ भी आप स्टाइल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह की आपकी कोई ड्रेसेस हैं जो थोड़ी सी रिवीलिंग स्टाइल की हैं तो उनके ऊपर अगर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और एक नया लुक भी मिलता है, एक स्टाइलिश और एक यूनिक स्टाइल एलिमेंट भी क्रिएट होता है। ओके अभी स्कर्ट्स में भी रफल्स वाली स्कर्ट बहुत ट्रेंड में चल रही है, मतलब थोड़े यूजुअल से हटके स्कर्ट्स लगती हैं, बहुत प्रिटी लगती हैं, तो इस तरह की ये रफल्स वाली स्कर्ट आप परचेज करो। ये भी मैंने अमेजोन से परचेज की है और अगर आप इसमें मिनी स्कर्ट्स भी आती है, तो अगर आपको मिनी स्कर्ट्स में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं या फिर शॉर्ट स्कर्ट्स में, तो इस तरह की जो मिड लेंथ की स्कर्ट्स है आप मिड लेंथ की स्कर्ट्स ले लो, बहुत स्मार्ट लगती है, काफी ट्रेंडी लगती है। तो इस तरह की रफल स्कर्ट्स को आप क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल करो, और आप क्रॉप टॉप में कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो कोई फिटेड टॉप के साथ स्टाइल करो जिसे आप टक इन कर सकते हो, बट फिटेड होगा तो ज्यादा बेटर लगेगा इस तरह की रफल स्कर्ट्स के साथ, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे बाउंस है, फ्लफीनेस है तो और फ्लेरी है, तो अगर आप ऊपर भी फ्लेरी सा कोई टॉप पहन लोगे तो वो आपका जो लुक है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो कोई फिटेड टॉप के साथ आप इस तरह की स्कर्ट्स को स्टाइल करना तो बहुत अमेजिंग लगेगा, बहुत स्टाइलिश लगेगा और यूजुअल से ऑब्वियसली थोड़ा सा हटके ही लगेगा आपका लुक, काफी शीक स्मार्ट सा लुक क्रिएट हो जाएगा आपका। क्या है ना मेरे ओपिनियन में जरूरी नहीं कि आप रिवीलिंग आउटफिट्स पहन रहे हो तो ही आप स्मार्ट एंड स्टाइलिश लगोगे या आप ट्रेंडी लगोगे, आप नॉन रिवीलिंग आउटफिट्स भी पहनो और उनको अच्छे से स्टाइल करो तो वो भी बहुत ट्रेंडी लगेंगे, स्मार्ट लगे। तो ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग बताओ आपका क्या ओपिनियन है। सो फोक्स इस वीडियो के लिए इतना ही, सीरियसली बता रही हूँ बहुत थक गए मैं ये वीडियो बनाते बनाते, मैं 2 दिन लगातार मैंने इसका शूट किया है, स्टाइलिंग की है, तब जाके इतने सारे लुक्स मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किए हैं। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसे लगे आपको मेरे ये सजेशंस, आउटफिट्स, मतलब आपको हेल्पफुल लगे कि नहीं लगे। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट।